वो आपकी शलवार उतार रहा है साइमन डोल, हमारी हकीकत दिखा रहा है, वो एक्सपोज कर रहा है, वो कह रहा है किसके कहने पे ये पिचेस बनती है, बाबर के। इंडिया में करके दिखा दो मुझे, इंडिया के किसी मैच में बैठ के कमेंट्री करके ये कह दो तुम रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली के बारे में या हार्दिक पांडे के बारे में, तो मैं मान जाऊं। जली ना तेरी भी जली ना। उसने आपके बाबर आजम को सीधा सीधा बोल दिया कि वो ऐसी पिचेस पे अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए हिम्मत, बस हवा निकल गई। तो कमेंट्री के अंदर वो ये बात बोल गए, कड़वा सच है, हजम करना सीखें। मजा आया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिक बैडी स्पोर्ट में स्वागत है। दोस्तों कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान साइमन डोल कमेंटेटर ने बाबर आजम की धजिया उड़ा दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी पिच बाबर आजम के रिकॉर्ड के लिए बनता है क्योंकि बाबर आजम विराट कोहली को रिकॉर्ड बराबर करना चाहता है। दोस्तों इस बारे में पाकिस्तान मीडिया बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं कि साइमन डोल कौन होता है पाकिस्तान को ऐसा कहने वाले। दोस्तों आप भी जानिए इस बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपको 2.5-3 साल से कह रहा हूँ, वो कल साइमन डोल ने कहा उससे भी बड़ी बात, आपका रेलू कट्टो का चैंपियन जिसे सिर्फ बाप की वजह से नौकरी मिली हुई है कमेंट्री की, बाजेद खान, वो हंस रहा है, वो आपकी शलवार उतार रहा है साइमन डोल, हमारी हकीकत दिखा रहा है, वो एक्सपोज कर रहा है, वो कह रहा है किसके कहने पे ये पिचेस बनती है, बाबर के बाबर का, जो उसने आपके बाबर आजम को सीधा सीधा बोल दिया कि वो ऐसी पिचेस पे अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए हिम्मत थी तो उसे रोक देते, हिम्मत थी तो उसे कह देता ये बाजिद खान, काउंटर करता ना, गजब बेइज्जती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम साइमन डोल को पैसे नहीं दे रहे, साइमन डोल हमें पैसे दे रहा है मतलब कमेंट्री करने के लिए। आई मीन हु इज ही टू मेक सच कमेंट्स यार, किस पे बात कर रहा है, चलो पिचेस पे आप बात करें कोई मसला नहीं, हम सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिस टाइप की पिचेस बनी हुई है, लेकिन कहता है ऑन एयर लाइव मैच के दौरान कहता है कि जी वो मतलब हु गिव्स डायरेक्टिव्स टू मेक दीस पिचेस, इज इट बाबर हु वांट्स अ रोड टू बैट ऑन टू इंप्रूव हिज पर्सनल स्टैट्स, हाउ कैन यू से दैट अबाउट अ नेशनल टीम कैप्टन यार, ये तुम इंडिया में करके दिखा दो मुझे, इंडिया के किसी मैच में बैठ के कमेंट्री करके ये कह दो तुम रोहित शर्मा के बारे में, विराट कोहली के बारे में या हार्दिक पांडे के बारे में, तो मैं मान जाऊं कि फिर 5 मिनट और ये बैठ जाए वहां पर कमेंट्री बॉक्स में। जब कर रहा है पैसा जब ले रहा है बोर्ड का ये इस तरह की मिम वाली कमेंट्री का, तो बोलता है उसे रोकता उसे कहता बकवास कर रहा है तू, बाबर आजम तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, कहता ना वहां क्यों नहीं कहा सच का। ये बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, बाबर का कोई का जो एज अ कप्तान रोल है इन पिचेस को बनवाने में, जो कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की एज अ कप्तान का जो रोल होता है, क्योंकि दुनिया में सभी को पता है कि जो पिचेस घर पे बनती है उसमें कप्तान का रोल बहुत होता है, तो शुक्र है कि साइमन डोल पाकिस्तानी नहीं है वरना अभी तक उनका पेट्रियोटिज्म जो है वो क्वेश्चन होने लग जाता। तो साइमन डोल ने बड़ा कड़वा सवाल पूछा, बॉम्बशेल फेंका, और वो बॉम्बशेल फेंका है जिसके लिए बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते कि ऐसी पिचेस अगर बाबर आजम का रोल है इन पिचेस के अंदर तो क्यों रोल है, क्या रोल है, क्या अपनी बैटिंग के लिए अपने कंफर्ट लेवल के लिए रोल है, ताकि वो, और वो उन्होंने वो खुली आम बात कर दी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं।